बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा सांसद और पंजाब दे सह प्रभारी राघव चड्ढा जी नू एक लीगल नोटिस भेजा है कि 3 दिनों दे विच राघव चड्ढा जी माफी मंगन, नहीं तो उन्होंने खिलाफ जलंधर कोर्ट दे विच क्रिमिनल केस मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दर्ज करावांगा। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है, और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे सही इंचार्ज अते राज्यसभा संसद मेंबर राघव चड्ढा दे वल्लों भारतीय जनता पार्टी प्रति असभ्यक टिप्पणी करके उसनू भारतीय जाहिल पार्टी अते उन्हां दे वर्करां नू गुंडा बोलण दे उपर पंजाब भारतीय जनता युवा मोर्चा दे उप प्रधान अशोक सरीन हिक्की ने राघव चड्ढा नू 3 दिनां दे अंदर अंदर माफी मंगण दे वास्ते लीगल नोटिस भेज दिता है। ओ 3 दिन दे अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्तावां दे खिलाफ जिहड़ी उन्हां ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभद्र टिप्पणी कीती है, बेवजह बेहुदा और गैर संवैधानिक आरोप जिहड़े भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्तावां ते भारतीय जनता पार्टी ते लाए है, उसके खिलाफ इन्हां नूं अज लीगल नोटिस भेजा कि 3 दिनों दे विच राघव चड्ढा जी माफी मंगन, नहीं तो उन्हां दे खिलाफ जलंधर कोर्ट दे विच क्रिमिनल केस मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दर्ज करावांगा। माफी ना मंगण दे उपर उन्हां दे खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दाखिल किया जाएगा। हिग्गी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता भाजपा वर्करां दे वल्लों जनता दे विच सबूतां समेत आम आदमी पार्टी दीआं असफलतावां झूठ फरेब जग जाहिर करन दे कारण बौखला गए ने, जिथे कि भाजपा अपने करोड़ां वर्करां दी बिना स्वार्थ मेहनत ते लगन दे नाल देश अते दुनिया दी सब तों वड्डी सियासी पार्टी बन गई है, जिस दी भारत दे 11 सूबिआं दे विच पूर्ण बहुमत समेत 17 सूबिआं दे विच गठजोड़ वालीआं सरकारां। इन्ना ही नहीं, देश दे विच सब तो ज्यादा 1379 विधायक, 400 तो ज्यादा लोकसभा अते राज्यसभा सांसद मेंबर हन। दूजे पासे साडे खिलाफ झूठा प्रचार करन वाले राघव चड्ढा भाजपा ते दोष लगाउण दी बजाय जनता नूं दसण कि उहनां दी पार्टी दे करीब 13 विधायक, चेयरमैन, कौंसलर भ्रिष्टाचार करन दे कारण जेल तों कौंसलर ताहिर हुसैन समेत कई वर्कर दिल्ली च दंगे करवा के 53 लोगों की हत्या करन दे मामले दे विच गिरफ्तार क्यों ने, तां तुसीं इस सारे दे सारे मामले दे बारे विच की सोचते हो? इस दे बारे च कमेंट सैक्शन दे विच आके अपनी राय सांझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।